हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री में लेसन सेल्फिश जाइंट्स जिसके लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड। तो आइए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सेल्फिश जाइंट है क्या। तो सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, जाइंट्स मीन्स दानव। तो सेल्फिश जाइंट था कैसे। सेल्फिश जाइंट के का एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। इस बगीचे का वह प्रयोग किसी अदर को नहीं करे, केवल स्वयं ही करता था, इसलिए वो सेल्फिश दानव था। और जैसे ही बच्चे स्कूल से छुट्टी होकर के आते थे तो वो उन बच्चों को उसमें खेलने से मना करता था, तो इसलिए वह सेल्फिश जानता। तो आज हम उसी की आज आपको कहानी बताते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दोपहर के बाद या जैसे ही बच्चों की जैसे स्कूल ऑफ होता है उस संभोग में समय भी दोपहर का होता है, तो जैसे ही बच्चों की जो छुट्टी होती थी तो बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल से घर वापस लौटते थे। देयर चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो एक सुंदर अच्छा बगीचा था, इसलिए लौटते समय बच्चों का मन होता था उस बगीचे में हम जाएं और वहां खेलें, तो वो वहां जाकर के खेला करते थे। इट वाज ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ये कैसा बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा था, ये बहुत बड़ा बगीचा, सुंदर मनमोहक था। इसमें घास ओवर द ग्रास, उसमें घास थी, हरी 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 भरी घास थी। स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उस पर क्या थे, सुंदर सुंदर फूल थे, लाइक स्टार। फूल कैसे लगते थे, जैसे आकाश में आसमान तारे खिल जाते थे, ऐसे ही घास पर ये फूल खिलते थे, तो ये लगता था इस पर तारे खिले थे। एंड देयर वर पर बीच ट्रीज, और वहां पर उसके पेड़ थे। देयर इन द स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम इज बसंत के समय, बसंत की ऋतु में या वसंत के समय, ब्रेक आउट इन द डेलिकेट ब्लूसम ऑफ पिंक एंड पीरल्स। और उसमें बसंत ऋतु में ब्रेक आउट मीन्स खिल जाते थे या फैल जाते थे डेलिकेट, बहुत सुंदर ब्लूसम मीन्स उसकी कलियां और फूल उस पर खिल जाते थे। एंड इन द ऑटम फॉर द रिच फ्रूट्स, और ऑटम सीजन होता है जो पतझड़ का समय, ऑटम इज पतझड़ के समय उसमें वृक्षों पर क्या लगते थे, बहुत सुंदर मीठे मीठे पके हुए फल आ जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, और उस बगीचे में जो वृक्ष थे उन वृक्षों पर चिड़िया बैठा करती थी, बैठती थी। एंड संग सो स्वीटली, और इतना वो मधुर गाती थी, सुंदर सुंदर है मधुर मनमोहक वो अपनी धुन में गीत गाती थी, कि द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स। बच्चे क्या कर देते थे, बच्चे अपने जो खेलते थे उस खेल को उन चिड़ियों की मधुर आवाज या मधुर गीत को सुन करके वो अपना खेल बंद कर देते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, वो किस लिए बंद कर देते थे, उनकी आवाज को सुनने के लिए। इन ऑर्डर टू लिसन मीन्स उनकी जो गीत थे, उनकी मधुर आवाज थी, उसको सुनने के लिए वो अपना खेल बंद कर देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, वहां पर हम कितने प्रसन्न थे, बच्चे सारे आप समय कह रहे हैं कि ये सब देख करके आओ, खेल करके चिड़ियों की आवाज से हम वहां पर सब लोग कैसे थे, प्रसन्न थे, खुश थे। दे क्राइड टू ईच अदर, आपस में बोलो प्रश्न होकर चिल्लाते थे, कहते थे।
वन डे द जायंट्स केम बैक, वन डे मीन्स एक दिन, जायंट्स अब जो अपने मित्र के जाकर आए हुए थे वहां से जब वो वापस लौटे सात वर्षों के बाद जब जायंट्स अपने मित्र के यहां से वापस लौटे, कितने समय के बाद, 7 ईयर, 7 वर्ष के बाद जब वो वापस लौट के आए तो ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, यानी वहां से लौट करके जब वापस आए तो व्हेन ही अराइव्ड, जब वो लौटे तो ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जो बगीचे की तरफ गए, बगीचे में गए तो उन्होंने बच्चों को वहां पर खेलते हुए देखा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों से क्वेश्चन किया कि आप यहां क्या कर रहे हैं, क्यों वो बच्चों को या किसी को उस बगीचे में खेलने नहीं दिया करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे उनसे प्रश्न किया कि आप यहां क्या कर रहे हैं। तो ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, तो वो गुस्सा भरी आवाज में क्रोधित होकर के बच्चों को उन्होंने डांटते हुए उन्होंने कहा, एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और उन्होंने की इस आवाज को सुन करके बच्चे वहां से भाग गए, चले गए।